Hey guys, welcome back to another video. Guys, आज की वीडियो देख ही सकते हो आप, मैंने फोटो दिखा दी किस पे होगी और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी और उसी के ऊपर हमारा कंटेंट होगा आज का। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना और यार चैनल बनाए हो तो यार सब्सक्राइब करके उस घंटी को दबा देना और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। ऐसे एडिटिंग में मस्त एडिटिंग की वीडियोज डालता रहता हूँ, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गाइस सिंपली हमको एक बैकग्राउंड चाहिएगा इस टाइप का, आपको ये बैकग्राउंड सिंपली कहीं भी मिल सकता है। तो गाइस फिर आपको आपका फोटो थोड़ा सा शोल्डर तक का खींचना है, यानी शूट करना शोल्डर तक का कुछ इस तरीके से। तो गाइस देखिए मैं फिर उसको आपको कट कर लेना है, यानी कि क्रॉप कर लेना है, फ्री क्रॉप जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ। गाइस देखिए जिस तरीके से मैंने करा है आप भी उसी तरीके से करिए। आपको गाइस ये पूरा लेना है फोटो, मैं सिर्फ गर्दन तक ले रहा हूँ, आपको पूरा शोल्डर तक लेना है फोटो, मतलब मैं भी इसे सही ना हूँ। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो देख सकते हैं मैंने पूरा लिया है फोटो को। और गाइस फिर हम इफेक्ट्स में जाके कलर में जाएंगे, कलर में जाके अब HUE को थोड़ा सा 211 कर देंगे और फिर जो बैकग्राउंड रहेगा उसे इरेज कर देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड को हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसी टाइप का रखना है हमको बैकग्राउंड। गाइस देखिए और गाइस वीडियो को एंड तक देखना, एंड में बहुत ही अच्छी एडिटिंग होने वाली है, आप भी सीख जाइए और ऐसी एडिटिंग आज पोस्ट के लिए ज़्यादा लाइक आएंगे आज। तो गाइस देखिए मैंने इस बैकग्राउंड पे थोड़ी सी रिटचिंग करके इस बैकग्राउंड को भी अच्छा कर दिया। गाइस फिर आपको ये ब्लू ये तो नहीं लेना है, ये मैंने सोचा था पहले लगाने का पर ये सेट नहीं हो पा रहा था, इसे हम एंड में लगाएंगे। गाइस स्टिकर्स पे जाना है आपको, सॉरी ड्रॉप पे जाना है, और आपका थोड़ा सा हमको आई शेड पे मेकअप करना है, जैसे आईब्रोज होती है वहाँ पे जो कृष्ण जी को होता है इस टाइप से, इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था, मैंने वीडियो स्किप भी करी थी उसके बाद ट्राई मारा था। गाइस ये ड्रॉ टूल इतना अच्छे से इसका काम करता नहीं है, पिक्स आर्ट का मतलब थोड़ा सा रफ चलता है। और गाइस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा ये फोटो एडिट होने के बाद, बहुत ही धांसू फोटो लगेगा। और गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी एडिटिंग समझ में आए, आप आधी वीडियो देखते हो और छोड़ के चले जाते हो कोई मतलब नहीं रहता, आप आधी एडिटिंग सीखते हो आधी सीखते नहीं हो, इसलिए पूरी एडिटिंग को देखना, उसके बाद आपके फ़ोटो पे भी अप्लाई करना, बहुत ही मस्त लगेगा आपका फ़ोटो भी। देखिएगा इसमें जैसे जैसे करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करते रहिएगा। फिर मैं को एक स्ट्रिप लेनी रेड कलर की जो कृष्णा जी अपने सिर पर बांध कर घूमते थे, उसी टाइप का कुछ रेड कलर का और कुछ ले सकते हो। गाइस देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से इसकी थोड़ी सी ऑपेसिटी कम कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड ना लगे फोटो। तो गाइस देख सकते हैं मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपकी आई की बारी आती है, तो आई में आपके हिसाब से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं, मैं येलो कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, येलो तो मोस्ट अट्रैक्टिव कलर। तो गाइस देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी करिएगा, बहुत ही धांसू लगने वाली है आपकी फ़ोटो अगर आपने मेरे तरीके से एडिट की है तो। तो गाइस फिर हमें थोड़ी सी आईज को एडजस्ट कर लेना है और आप देख सकते हैं मैंने जिस तरीके से कर उसी तरीके से आप भी एडजस्ट करना। तो गाइस देखिए अभी तक का फोटो कितना अच्छा धांसू लग रहा है। और गाइस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटिंग है, आपको भी मज़ा आएगा। तो गाइस फिर मैंने कुछ मोर के पंख लिए हैं, उससे मैं थोड़ी सी ड्रेस टाइप लुक दे रहा हूँ, उससे मैं जिस तरीके से देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है वो। गाइस फिर से स्टिकर्स में जाऊँगा मैं। गाइस आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो का मजा लीजिए, सॉरी ये गलत हुआ।
लिया है, इसे मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से एडजस्ट करके लगा दिया है साइड में। गाइस अभी तक कि आप वीडियो और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो, लाइक ठोको, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और गाइस देख सकते हैं कि मैंने फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ बैकग्राउंड में कृष्ण जी का फ़ोटो लगाने की, अगर वो अच्छा लगता है तो मैं लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा। गाइस मेरे हिसाब से तो नहीं सेट नहीं होगा वो ढंग से। तो गाइस मैं नहीं लगा रहा हूँ, एक सिंपल सा स्टिकर ढूंढ रहा हूँ, ये मिल चुका है मुझे, वही अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर बादलों में। तो गाइस देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर दिया है। और गाइस अब बारी आती है थोड़ा सा अलग करने की कुछ। तो गाइस मैंने एक पिकॉक को सिलेक्ट करा है, उसकी थोड़ी सी मैंने फेस उसका बाहर आ रहा है साइड से। गाइस एक बार और सिलेक्ट करूँगा मैं उस पिकॉक को और उसे फ्लिप कर दूँगा इस साइड से। और गाइस देख सकते हैं कितना अमेजिंग फोटो लग रहा है। कुछ इसी तरीके से आप भी करिएगा इस एडिटिंग को, बहुत ही अच्छी एडिटिंग है ये। जितना आप अच्छे से करोगे उतनी अच्छी लगेगी, पूरे मन से एडिटिंग करोगे बहुत ही शानदार लगने वाली है एडिटिंग। और गाइस अभी तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, उस लाल कलर का आइकन को नीचे दबा दो। बस फिर वो मैंने कहा था ब्लू लाइट काम आएगी तो वो आ चुकी है काम। उसके बाद एक लास्ट एक बादल यानी क्लाउड्स का PNG यूज़ करना है हमें। ये देखिए जिस तरीके से ये एडिटिंग